सत श्री अकाल जी सारे नू, मैं अमनदीप कौर हाजरन जी थोड़ी बी ए थर्ड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। साड़ी इस चल रही बी ए थर्ड ईयर की क्लास के असी जिहड़ा अज जिहड़ा थोड़े अगले कवि लैके आए हैं जी, वह है डॉक्टर हरभजन सिंह। इस तो जी पहला साड़ी जी क्लास चल रही थी उहदे विच असी प्रीतम सिंह सफीर जी दी जिहड़ी रचना आ वो कर रहे थे। तो हुण जिहड़े असी अगले जिहड़े कवि शुरू किए किए जी डॉक्टर हरभजन सिंह। डॉक्टर हरभजन सिंह जी के जीवन के बारे में असी छोटी जी झाक मारीए तो देखते हैं कि इन्हों का जिहड़ा जन्म है, इन्हों का जन्म 18 अगस्त 1920 ईस्वी में लुमडिंग आसाम के होया। पिता इन्हों के सरदार गंडा सिंह जी सन, तो यह जिहड़े आ किते दे वजो एक अध्यापक सन। डॉक्टर हरभजन सिंह जी किते वजो एक अध्यापक सन। तीजी पीढ़ी के जिहड़े नवें कवियां दे विचों इन्हां दा जिहड़ा नाम गिणिया जाता, इन्हां नूं भी जिहड़ा तीजी पीढ़ी के नवें कवि आ उह मन्निया जाता है। सो रूपवादी ते सोहजवादी जिहड़ा शायर आ इन्हां नूं मन्निया गया है, इन्हां नूं रूपवादी ते सोहजवादी शायर भी मन्निया गया है। इन्हां दीआं जिहड़ियां काव्य जिहड़ा इन्हां ने काव्य रचनावां कीतीआं, काव्य संग्रह जिहड़े लिखे आ उन्हां दे विचों लाशां, तार तुक्का, अध लैणी, ना धुप ना छावें, सड़क दे सफे उत्ते अलग दुपहर, टुकियां जीबां वाले महक नूं जलरे, महक नूं जलरे ना मारी, अलविदा तो पहला मैं भी गया। इस तो बिना कई जिहड़ा कई इन्हां ने आलोचनात्मक पुस्तकां भी लिखियां हन, कई आलोचनात्मक पुस्तकां भी लिखियां जिन्हां विचों साहित्य शास्त्र, पारागामी, रूपकी, साहित्य विज्ञान जिहड़ियां काफ़ी मशहूर भी हुई। सो इन्हां ने इन्हां नूं जिहड़ा तीसरी पीढ़ी दे जिहड़ा नवें कवि दे वजों मन्निया गया है। सो कहिंदे हरभजन सिंह दे प्रवेश दे नाल पंजाबी काव्य जगत नूं चार चन्न जिहड़े आ उह लग गए सन। सो इस विच नवगति नवापन जिहड़ा है उह आ गई सी। इस जिहड़े डॉक्टर हरभजन सिंह जी हन इन्हां ने सचेत तो अचेत दे वल, सुचेत तो अचेत तक दी, काल तो अकाल तक दी, काल तो अकाल तक दा जिहड़ा सफर है उह नूं तय करन दी समर्था जिहड़ी है उह डॉक्टर हरभजन सिंह जी नूं प्राप्त है। उन्हां दे काव्य दर्शन दे विच चिंतन, प्रेम, मस्ती, मानसिक तत्ना जिहड़े तत्थ, वेरवे, व्यंग, टकराव, टीचर, यह सब कुछ जिहड़ा है सानूं उन्हां दीआं जिहड़ियां कवितावां हन जां उन्हां दी काव्य रचना है उस दे विचों वेखण नूं मिलदा है। सो कहिंदे उह अज दे विज्ञानिक युग दे बोध दा कवि है। सो डॉक्टर हरभजन सिंह जी दे बारे विच जिहड़ा मतलब कहा जाता है कि उह अज दे विज्ञानिक युग दे बोध दा कवि मन्निया जाता है। सो यह सी जी एक छोटी जी झाक उन्होंने जीवन के बारे में। सो हुण आपां चलते हैं उन्हां दी रचना दे वल जिहड़ी साडी बुक दे विच दर्ज है जिहड़ी असीं अज करनी आ। सो हुण चलांगे जी उन्हां दी रचना दे वल। सो हुण असीं चलते हैं जी इन्हां दी रचना जिहड़ी साडी बुक दे विच दर्ज है। इन्हां दी जिहड़ी रचना अज असीं करन जा रहे हां उह हैगी है जी तूं बड़ी मासूम, तू बड़ी मासूम ए। इन्हां दी जिहड़ी रचना जिहड़ी अज असीं अपनी क्लास दे विच करनी है तू बड़ी मासूम है। इस रचना दे विच जिहड़े डॉक्टर हरभजन सिंह जी ने जिहड़े एक जिहड़ा किरती किसान कामा जिहड़ा है मेहनत करन वाला जिहड़ा मजदूर है उसकी हालत नूं बहुत ही सोहणे ढंग नाल साडे सामने बयान किया है कि एक मेहनत करन वाला इंसान, खुद गर्ज इंसान जो मेहनत करता है कहिंदे उसका जिहड़ा मानसिक दर्द है उसनों उन्होंने बयान किया है कि जिसनों जिहड़ी है एक का जो मजदूर है वह मेहनत करके आता है पर उसनों अपनी पूरी जिहड़ी मजदूरी है वह नहीं मिल रही जिस दे नाल वो अपनियां ख्वाहिशां जिहड़ियां हन उन्हां नूं पूर्ण कर सके जां अपने परिवार दीआं जिहड़ियां ख्वाहिशां हन उन्हां नूं वो पूर्ण कर सके। सो जिहड़ा मजदूर है वो दिन भर हड्ड बालवी जिहड़ी हड्ड भन्नवी जिहड़ी मेहनत करता है
ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਡੀਕ ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਲਟਾ ਮਹਾਨ ਕਿਉਂ ਦੁਰਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਜਦਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਭਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵੜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਛਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਣ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅੱਗੋਂ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਸ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵੱਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਾਬਰ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਾਬਰ ਬਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਾਬਰ ਬਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਠੋਕ ਦਾ ਤੇਰਾ ਬਦਨ, ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕ ਦਾ ਤੇਰਾ ਬਦਨ, ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾਉਂਦਰ ਦਿਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਢੂੰਡ ਨਾ ਸਕੇ ਹੁਸਨ, ਹੁਸਨ ਖੋ ਲਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰਾ, ਲੁੱਟ ਲਵਾਂ ਮਨ ਦਾ ਅਮਨ, ਲੁੱਟ ਲਵਾਂ ਮਨ ਦਾ ਅਮਨ, ਲੁੱਟ ਲਵਾਂ ਮਨ ਦਾ ਅਮਨ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭੋਲਾਪਨ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭੋਲਾਪਨ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭੋਲਾਪਨ, ਤੂੰ ਬੜੀ
मासूम ए। सो जेड़ा किरती किसान है जा कामा है जा मजदूर है वो अपनी पत्नी नूं कह रहा है कि जेड़ा एक कामे की मानसिक दशा जेड़ी के इस विच कवि ने बयान कीती है। सो मजदूर अपनी पत्नी नूं कह रहा है कि तू बहुत ज्यादा मासूम है, तू बड़ी मासूम है, क्योंकि वो उस दी मतलब जेड़ा मजदूर है वो अपनी पत्नी दी हालत अते आपसी संबंधा दी असलियत नूं नहीं समझदी। कवि जेड़ा कह रहा है अपनी पत्नी नूं कह रहा है कि तू बड़ी मासूम है, तू जेड़ी मेरी मानसिक हालत सते साडी जेड़ी आपसी संबंधा दी सच्चाई है उसनूं नहीं समझ रही। इसका कारण यह है कि कहिंदा तू मासूम है, जे कदी मैं बहुत ज्यादा तेरे ते जुल्म करन वाला बन जावां, मैं तेरे बदन दे उते तेरे शरीर दे उते शांटे मार मार के लाशां खड़ियां कर दवां, ते तेरे नैणा नूं जिहड़ा अपने नौहां दे नाल नहौंदण दियां उहनां दे विच अपने नौ जिहड़ा है मार दवां, तां जो तू मेरियां अखां दे विच कोई हुसन जिहड़ा है उह ढूंढ ना सके, तां जो तू मेरियां अखां दे विच ना देख सके ते मेरियां अखां दे विच जिहड़ा तेरा हुसन है उह तैनूं दिखाई ना दे सके। कहिंदे मैं अजिहा जाबर बन के जे तेरा विश्वास खो लवां, तेरा विश्वास मैं खो लवां, तेरे मन दी जिहड़ी अमन शांति है उस नूं मैं लुट लवां। कहिंदे तू जिहड़ा उह इंसान है मजदूर है वह कहता है कि तेरा जिहड़ा भोलापन है वह खतरिया नाल भरिया होया है। सो कहते तू बहुत ज्यादा मासूम है, तेरा भोलापन खतरिया दे नाल भरिया पिया है, क्यों? क्योंकि वह जीवन की असलीयत नहीं समझ रही। उसकी पत्नी जो एक भोली भाली है उस सारा दिन काम कार करके आखिर अपने पति का इंतजार करती है, पर पति की मानसिक हालत जिहड़ी है वह इस तरह की है कि वह अपनी पत्नी दियां ख्वाहिशां पूरियां ना कर सकण दे कारण मानसिक परेशानी का शिकार होया होया उस तो जिहड़ा अपने आप नूं महान दिखाउण दा अहसास है वह नहीं चाहुंदा। वह नहीं चाहुंदा कि उसकी जिहड़ी पत्नी है उसनूं महान दसे, वह नहीं चाहुंदा कि उसका इंतजार करे। सो इस करके वह अपनी पत्नी नूं कह रहा है कि वह बहुत ज़्यादा मासूम है, उसका भोलापन खतरिया दे नाल भरिया पिया है। सो जिहड़ा इस तरह के भाव जिहड़े कवि ने साडे सामने रखे हैं। सो चलते हैं जी अगले पैरे वल। सो चलते हैं जी साढ़े अगले पैरे वाल। कहते रोज जब मुड़ता हाँ घर, रोज जब मुड़ता हाँ घर, वार के रोजी का वरदान, वार के रोजी का वरदान, सड़ चुके हुंदे ने पच्छम विच मशान, सड़ चुके हुंदे ने पच्छम विच मसान, सड़ चुके हुंदे ने पच्छम विच मसान, लग चुके हुंदे ने लग चुके हुंदे ने हिक आसमान दी, हिक आसमान दी तारियां दे, तारियां दे अगन बाण, तारियां दे अगन बाण, वरत चुकी हुंदी है, वरत चुकदी ए चुफेरे, चुफेरे मौत वर्गी, मौत वर्गी चुप चान, चुप चान गम जही, गश जही कूक, कूक सो चुका, सो चुका ए, सो चुकाए हुंदा कुल जहान, हुंदा कुल जहान, हुंदा
कुल जहान उस समय मुड़दा हाँ कर उस समय मुड़दा हाँ कर। हाँ जी की कह रहे थोड़ा कवि कहते रोज जद मुड़दा हाँ कर वार के रोजी दा विदान सर चुके हुंदे ने पछम विच मसाण लग चुका हुंदा है एक असमान भी तारियां दा अगन बाण वर्त चुकी हुंदी है चुपेरे मौत वर्गी चुप जान गश जही कूक सो चुका हुंदा कुल जहान उस समय मुड़दा हाँ कर। सो कवि जड़ा है वो कह रहा है अपनी पत्नी नू के जदों मैं शाम दे समय कहिंदे जदों मैं दिन भर दी जिहड़ी मेहनत है रोजी रोटी कमाउण दे लई रोजी दा आहार करन दे लई दिन भर दी मेहनत करके घर मुड़दा हाँ कहिंदे जदों मैं कोई रोजी दा आहार करके रोजी रोटी दा आहार करके मेहनत करके घर वापस आउंदा हाँ तां कहिंदे सूरज जिहड़ा है वह पछम विच छिप चुका हुंदा है ते मसाण जिहड़े हन वह सड़ चुके हुंदे हन हनेरा हो चुकिया हुंदा है आसमान दे विच तारे भी आसमान दी इक दे नाल लग चुके हुंदे हन निकल आउंदे हन ते चार चुपेरे जिहड़ी मौत वर्गी चुप जिहड़ी है चुप्पी जिहड़ी है वह वर्त चुकी हुंदी है चार चुपेरे कहिंदे वर्त चुकी हुंदी है मौत वर्गी चुप जिहड़ी है वह छा चुकी हुंदी है वर्त चुप वर्त चुकी हुंदी है ते कहिंदे जिहड़ी गश जेही बेहोशी दे विच जिहड़ा जा सारे दा सहारा जिहड़ा जहान है वह सौ चुका हुंदा है एक बेहोशी दे आलम दे विच एक जिहड़ी है गश जेही बेहोशी दी गश दे विच कहिंदे सारे दा सारा जिहड़ा मतलब जहान है दुनिया जिहड़ी है वह सौ चुकी हुंदी है उस समय कहिंदे फिर मैं घर मुड़दा हाँ वह हनेरा हो चुका है ते जिहड़ा कवि है इस समय जिहड़ा है वह घर मुड़ रहा है। सो अगले पैराग्राफ चलते हैं जी कहिंदे इस वीराने च मैं अपने दिल वीरान वर्गा अपने दिल वीरान वर्गा लितड़ के रा बियाबान कहिंदे गूड़ राती कहिंदे मेरियां अखां दे विच कोई पा के नैण मेरियां अखियां दे विच कोई पा के नैण वेख न लवे अखां च ओ पानी नहीं अख च ओ पानी नहीं नक्श विच नहीं जिंदगी जिंदगी पुछ ना बैठे कोई हुसन ने की कंचरीटा जर लिया हुसन ने कीकण चरीटा जर लिया हुसन ने कीकण चरीटा जर लिया जिंदगी तो
जिंदगी का इश्क किसने खो लिया, इश्क इश्क किसने खो लिया। हाँ जी, सो कहते कवि जड़ा है वो इतने दस रहा है कि जदों मैं शाम नू हनेरा होए घर वापस परतदा हाँ, कहते मैं उस समय घर वापस परतदा हाँ जदों पछम विच मसान सड़ चुके हैं, तारे जड़े हैं आसमान से निकल चुके हैं, तो इस समय कहते जदों बेहोशी दे विच सारा जहान सौ चुका है तो मैं घर परतदा हाँ। फिर कहते इस वीराने च मैं अपने दिल वीरान वर्गा लितड़ के रा बियावान गूढ़ राही। सो कहते फिर मैं कहते जिहड़ा वीरान रस्तियां तो हुंदा होया कहते जिहड़ा मजदूर है अपनी पत्नी नूं कह रहा है कि मैं उस गूढ़ रात दे वीरान वातावरण दे विच जिहड़ी मैं गूढ़ रात जिहड़ी रात है वो बहुत गूढ़ी है गुड़ राती कहते मैं गूढ़ी रात दे विच अपने जिहड़ा मेरा जिहड़ा दिल है जिहड़ा वो भी वीरान है अपने वीरान दिल वर्गे कहते वीरान दिल वर्गा बियाबान सुनसान रस्ता बियाबान रस्ता जिहड़ा कि लिताड़ के निकट के जिहड़े मैं बियाबान रस्ते तो निकल के बियाबान रस्ता जिहड़ा है लिताड़ के उतों वापस आउंदा हाँ तां कहिंदी मैं हनेरे रात विच इस करके वापस आउंदा हाँ इस करके मैं बियाबान रस्तियां तो वापस आउंदा हाँ तां जो रस्ते विच कोई मैनू मिल ना पवे तां जो रस्ते विच कोई उसदियां अखां दे विच अखां पा के जिहड़ा है उसनू कोई कुछ पूछ ना बैठे मैं तां बियाबान रस्तियां तो दी आउंदा हाँ कि मेरियां अखां दे विच कोई अखां पा के कहिंदे वेख ना लवे मेरियां अखां दा पाणी कहिंदे कोई जिहड़ा है मेरियां अखां दे विच अखां पा के इह ना देख लवे कि मेरियां अखां दे विच पहलां वर्गा पाणी है जां नहीं ते कोई मेतों इह ना पुछ लवे कि उस दे नक्शां दे विचों जिहड़ा है जिंदगी कहिंदे उस दे नक्शां दे विच जिंदगी जिहड़ी है उह किस तरह दी है कहिंदे कोई मेरियां अखां दे विच अखां पा के इह ना वेख लवे कि उहनां विच पहलां वर्गा पाणी है जां नहीं है जां मेरी जिहड़े अखां दे नक्शे हन उहनां दे विच कोई जिंदगी दा रस्ता है जां नहीं जिंदगी है कि नहीं कोई मैतों एक जिहड़ा है सवाल ना पुछ बैठे कि तेरे हुसन ने किस तरह झरीटां नूं जल लिया है तेरी जिंदगी दे विचों इश्क दा जिहड़ा तेरी जिंदगी दा जिहड़ा इश्क सी उह किसने खो लिया है। सो कोई उसनूं इह ना पुछ लवे कि हुसन उत्ते झरीटां उसने किस तरह बर्दाश्त कर लिया हन जां उसदी जिंदगी तों जिहड़ा प्रेम है इश्क है किसने खो लिया है। सो इस तरह दे जिहड़े विचार हन जिहड़ा कवि है उसने इस पैरे दे दसण दी कोशिश कीती है। सो हुण चलदे हां जी आपां जिहड़े ती अगले पैरे दे वल। सो अगले पैरे विच देखदे हां जी तो अगे देखदे हां जी अगले पैरे वल कहिंदे मर जावांगा शर्म दे नाल मर जावांगा शर्म नाल मर जावांगा शर्म नाल ए ना जर सकांगा मैं बहुत जर जांदा हां बेशक कहिंदे फिर भी बेगैरत नहीं इस लई रोज जद मुड़दा हां घर सड़ चुके
हुंदे ने पश्चिम विच मसाण लग चुके हुंदे ने लग चुके हुंदे ने लग चुके हुंदे ने एक आसमान दी एक आसमान दी तारियां दे अगनबाण तारियां दे अगनबाण। हाँ जी, सो जेड़ा कवि है वो की कह रहा है, केंदे मैं जेड़ा के केंदे मर जावां का शर्म दे नाल। सो केंदे जेड़ा मजदूर है अपनी पत्नी नूं कहिंदा है कि ओह उस नूं किसी ने जेकर ये पूछ लिया, जेकर किसी ने ये पूछ लिया कि तेरी जेड़े हुसन ते चीटा किसने तू किस तरह चल लईआं हन, तेरी जिंदगी दे विच्चों जेड़ा प्यार है इश्क है वो किसने खो लिया है, तां ओह इस गल नूं बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तां ओह इस गल नूं बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, ये गल उसके लिए बर्दाश्त करनी बहुत औखी है, सो वह शर्म नाल ही मर जाएगा। एक ना कहते मैं उस शर्म के नाल जेकर मैनू कोई ये प्रश्न पूछ लैंदा है कि तेरी जिंदगी तो प्रेम जां इश्क किसने खो लिया है, तो मैं शर्म के नाल ही मर जावगा, पर यह ना जर सकागा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहते बेशक बहुत जर सकता हाँ, बेशक बेशक मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेता हाँ ते कर सकता हाँ, पर मैं ये मेरे लिए बर्दाश्त करना औखा हो जाएगा। ते कहते पर जे कहते बहुत जर जाता हाँ, बहुत भावें मैं बहुत बे जड़ा है बहुत कुछ बर्दाश्त कर जाता हाँ, पर फिर भी बेगैरत नहीं हाँ। कहते भावें मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेंदा हाँ, पर ये मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अजे भी मेरे अंदर अणख है, मैं बेअणखा नहीं हाँ, मैं बेगैरत नहीं हाँ, अज भी मेरे अंदर अणख है, सो मैं अणख न जीना जानता हाँ, मैं मजदूरी करता हाँ, हालांकि मैनू पता है कि मैं अपनी पत्नी दियां जरूरतां नूं पूरा नहीं कर पा रहा, सो इस करके मैनू उसका भोलापन खांदा भी है। कहिंदे मैनू कोई ये पुछ लवेगा कि तेरी जिंदगी दे विचों हुसन ते चरीटा तो किस तरह बर्दाश्त कीतियां, तेरी जिंदगी दे विचों इश्क प्रेम किसने खो लिया है, तो कहिंदे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकांगा, हालांकि मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा हाँ, बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता हाँ, पर ये चीज़ा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकांगा, क्यों? क्योंकि मैं बेअणखा नहीं हाँ, मैं बेगैरत नहीं हाँ, सो ऐसे करके ही मैं देर रात नूं घर मुड़दा हाँ, रोज़ रात नूं मैं उस समय घर मुड़दा हाँ जदों सूरज छिप चुका हुंदा है, पछम दे विच मसान जिहड़े हन सड़ चुके हुंदे हन, तारे आसमान दी हीक दे नाल लग चुके हुंदे हन, निकल चुके हुंदे हन। सो इत्थे तक जिहड़ा इह जिहड़ी थोड़ी अपनी लंबी है जी, बाकी दी जिहड़ी रचना आपां जिहड़ी तुहाडी कल दी क्लास विच करांगे, सो अज दी जिहड़ी क्लास आ उह इत्थे समाप्त हुंदी है, मिलदे आ साडी अगली क्लास दे विच, धन्नवाद जी।